सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसके सामने बड़े बड़े एकदम झुक जाते हैं कि नहीं नहीं भैया हमसे हो ही नहीं पाएगा, हमसे आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है। इसके सिंपल जो सेंटेंस है उसमें 8 टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो 3 टॉपिक है, कंपाउंड के 4 टॉपिक है। सबसे एक अच्छी बात थोड़ा सा यहां पर हमें चीज थोड़ा सा अच्छी ये मिलती है कि जो भी सेंटेंस होता है वो उसके सामने लिख दिया जाता है कि इसे आपको सिंपल में चेंज करना है या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है या कंपाउंड में। तो मैं आज आपके सामने करीब 20 से 22 ऐसे क्वेश्चन रखने जा रहा हूं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं या पूछे जाने के 99% चांसेस हैं। मैं हमेशा 90% बोलता हूं लेकिन आज 99% बोलता हूं क्योंकि कुछ कारण है इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और आप भी अपना आंसर बताते चलिए मेरे साथ। तो देखिए सबसे पहला है कि आई सॉ ए मैन ही वॉज ब्लाइंड ही वॉज कैरिंग अ लैंप इन हिज हैंड, इसे हमें सिंपल में चेंज करना है। अब जब ये सेंटेंस हमारा आता है इस तरह के 3 सेंटेंस वाले जो आते हैं इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो यहां पर अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे कि आई सॉ ए ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैंप इन हिज हैंड, कैरिंग अ लैंप इन हिज कैरिंग यहां पर हो जाएगा, उसके बाद ए लैंप इन हिज हैंड हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहली बात यह होती कि हमें सोचना क्या है, यानी हम इसको पार्टिसिपल की तरह से देखें या हम इसे नॉन फ्रेजिंग अपोजिशन की तरह देखें, एडवर्ब की तरह देखें, एडजेक्टिव, या कैसे देखें इसको। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है नॉम ने, बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या इन सेंटेंस को याद रखते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतने सेंटेंस को याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है कि ही वॉज डिस्गाइज्ड एज संत ही स्कैब्ड टू नेपाल, ये भी आपका सिंपल का पार्टिसिपल का है, तो इसको कैसे बनाएंगे कि हैविंग, ठीक है, हैविंग डिस्गाइज्ड एज संत, ठीक है, कॉमा कर दीजिए, फिर ही स्केप्ड टू नेपाल। अच्छा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी करीब इसके रिलेटेड 4 से 5 वीडियो बताए हैं, पूरा रूल समझाया है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन हैं, वो आप देख लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं, रूल पढ़िए, अपने से सॉल्व करिए, बस इनको याद रखिएगा, श्योर ही आएगा। नेक्स्ट है कि ही लॉस्ट हिज बुक ही सर्च्ड फॉर इट, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का है, तो ही सर्च्ड यहां पर कैसे बन जा रहा है, तो वो आपको ऑलरेडी वीडियो दिया है, जरूर उसके रूल को पढ़िए। तो ही सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट है अ फनी फॉक्स सॉ सम रैट्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वाइन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ जो फॉक्स थे, एक फॉक्स ने कुछ जो है अंगूर लटकते देखे। अब यहां पर कैसे करना है इसको हमें कि अ फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, ठीक है, अब यहां पर मेन वर्ड हमारा है कि हैंगिंग फ्रॉम वाइन। अब इसमें देखिए कैसे बना दिया है, कैसे ये आ गया है, ये सारी चीजें आपको देखनी है तो वीडियो उसके लिए आपको देखना होगा। बाकी सेंटेंस को याद रखिए, इसके अलावा कुछ मत करिएगा, सिर्फ सेंटेंस को याद रखिए। द पुअर मैन वर्ग ही लाफ्ड दस ही स्पेंट हिज लाइफ, बहुत आसान है कि यहां पर कैसे करेंगे कि वर्किंग एंड लाफिंग यानी काम करते हुए हंसते हुए, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, फिर से बोल रहा हूं कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसका पूरा वीडियो मैंने बताया है, बनाया है, 4 से 6 वीडियो केवल पार्टिसिपल और सिंपल सेंटेंस पे है सिंथेसिस के, तो ये आप जरूर देखें, बाकी इसको याद रखेंगे तो श्योर ही इसमें से फंस जाएगा। करीब 22 क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है। चलिए आगे भी बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है कि द आर्मी अराइव्ड द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, सिंपल सेंटेंस। अब हमें पहचानना है कि ये कौन सा है, तो आपको बताया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो द आर्मी हैविंग अराइव्ड हो जाएगा, उसके बाद द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। हैविंग क्यों लग रहा है आपको सब पता है, नहीं पता तो जरूर वीडियो वॉच करिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट, सब्जेक्ट अलग अलग है, हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, जब वॉज वर्ब होता है तो बींग का यूज करते, तो इट बींग कोल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी होने के कारण
नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं निकला. नेक्स्ट है कि द वर्क वॉज डन, ऑल वर सेटिस्फाइड. ऑल और द वर्क अलग अलग सब्जेक्ट है, वॉज के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आई सेंटेंस पैसिवाइज है. तो द वर्क हैविंग बीन, जब सेंटेंस पैसिवाइज होता है तो हैविंग का यूज नहीं करते, बीन का यूज साथ में करते हैं. तो द वर्क हैविंग बीन डन, ऑल वर सेटिस्फाइड. जब आप इस तरह से बनाना सीख लेंगे ना, तो आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए वो बचेगा नहीं. तो आप किसे, मैं एकदम सिलेक्टेड सेंटेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आने के चांसेस आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में है, क्योंकि इन्हीं में से पूछा जाएगा. कोई बाहर से नहीं आएगा. क्यों नहीं बाहर से आएगा, क्यों इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और इस बार भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं. अब यहां पर हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि, ये आपका नाउन फ्रेज इन अ पोजिशन है. ये यहां से यहां तक पूरा एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट था. ठीक है भैया, मैं लिखे भी दे रहा हूं जिससे आप इसको लिखते चले. और इससे पहले वाला जो 6-5 सेंटेंस थे वो आपके पार्टिसिपल से थे, ये नॉमिनेटिव है. और ये यहां से यहां तक पूरा हमारा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन वाला है. ठीक है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन वाला है, तो वो भी आप ध्यान दे दें. ठीक है, तो यहां पर ये सबसे मुश्किल सेंटेंस है कि इसमें हम कैसे करते हैं, तीन इसमें कॉमा लगाते हैं, तो इसको बनाएं कैसे, इसको आप रख लीजिएगा, याद रखिएगा कि हर नेम इज निधि, फिर कॉमा डालिए, हर नेम इज निधि कॉमा माय सिस्टर इन लॉ, बस इतना करना है. ठीक है, जबकि इसमें बताया जाता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो उसकी व्याख्या करता है, उसके बारे में लिखते हैं. तो भाई निधि हमारा सब्जेक्ट है, उसकी व्याख्या की वो मेरी साली साहिबा है, भैया माई सिस्टर इन लॉ है. अगला है कि मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, मोहन अपने फादर का एकमात्र लड़का था. He died in an accident. वो एक्सीडेंट में मारा गया. ठीक है, तो मोहन हमने हमारा मेन सब्जेक्ट है, कॉमा किया, ओनली सन ऑफ हिज फादर, उससे रिलेटेड जो उसका अपोजिशन वर्ड था वो ओनली सन ऑफ हिज फादर है, फिर कॉमा किया, फिर डाइड इन एन एक्सीडेंट कर दिया. ये भी हमारा क्लियर हो गया. ठीक है, तो ये 10 सेंटेंस आप याद रखेंगे. इसके बाद और 10-12 सेंटेंस है जिससे आपको पूरी तरह से आपका नंबर आपको मिल जाए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है वो देखते हैं. ये भी हमारा सेंटेंस नाउन फ्रेज इन अपोजिशन से ही है. तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट. ठीक है, तो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, फिर कॉमा करना है और इज द बिगेस्ट सी पोर्ट करना है. ये भी हमारा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन है. ठीक है, याद रखना है. मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही बिकेम ब्लाइंड. तो मिल्टन फिर कॉमा करना है, फिर फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा करना है, बिकेम ब्लाइंड. ये भी हमारा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का है. देखिए ये क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, आपको ये जानकारी लेनी है, तो बार बार कह रहा हूं आप वीडियो जो इसके रिलेटेड रूल है या इसकी जो एक्सरसाइज है वो जरूर देखिए. ही वेंट टू मार्केट, ही वॉज इन हरी. ये हमारा एडवर्बल फ्रेज है भैया. ठीक है, ध्यान देना. तो ही वेंट टू मार्केट, हरीडली हो जाएगा. क्यों हो रहा है जरूर देखिए. द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर फ्यू मिनट्स. ये भी सिंपल में है, ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब फ्रेज है. तो द लीडर स्पोक फॉर फ्यू मिनट, इतना लिखना है, मिनटली नहीं लिखना, क्योंकि एल वाई लगाकर हम एडवर्बल फ्रेज को बनाते हैं. आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनेट अबाउट इट. तो मैंने आपको कई बार इसमें बताया भी है कि जरूरी नहीं कि हम लास्ट में ही एल वाई लगाए, आप शुरुआत भी डेफिनेटली जैसे शब्दों से कर सकते हैं कि डेफिनेटली निश्चित तौर पर आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, ये भी बना सकते हैं. इन सब सेंटेंस को याद रखेंगे तो मैं कंफर्म कहता हूं, बस मेरी बात मान लीजिए कि इसी में से आएगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 5 और 7 देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि दिस इज द हाउस, ही वॉज बॉर्न हियर. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज है. तो जहां पर जहां का मतलब वेयर होता है, कहां का मतलब वेयर भी होता है, लेकिन हमें यहां हमें एज अ कंजंक्शन वेयर का यूज करना है. तो ये वही घर है जहां वो पैदा हुआ. हियर शब्द का दोबारा यूज नहीं करेंगे, ये आप याद रखेंगे. इसके भी रूल्स बताए हैं कि वर्क हार्ड, मेहनत करो तुम सक्सेस हो जाओगे. तो वर्क हार्ड यानी मेहनत करो, ताकि सो दैट आता है तो माइट का यूज करते हैं. तो वर्क हार्ड सो दैट यू माइट गेट सक्सेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको भी बनाना था. उसके बाद है हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव, यानी नफरत से नफरत, प्यार से प्यार होता है. कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सिटी और इलेटिव के बारे में पता होगा. तो यहां पर हमने कुमुलेटिव लगाकर एंड जोड़ा,
है ना, और शब्द का सेंस भी आया कि भाई नफरत से नफरत और प्यार से प्यार, तो और शब्द आया ही वॉज रॉन्ग, वो गलत था इसलिए वो पनिश किया गया। तो देखिए सो का यूज यहां पर किया गया है, तो ही वॉज रॉन्ग सो ही वॉज पनिश्ड, कंपाउंड सेंटेंस ये भी है, इलेटिव कारण परिणाम। कम विद मी स्टे एट होम, कंपाउंड सेंटेंस, तो कम विद मी मेरे साथ आओ या घर पर रहो, तो और शब्द का यूज किया क्योंकि ये अल्टरनेटिव है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आप पढ़ते हैं, इस तरह के सेंटेंस आप देखेंगे, तो आपको चीजें पता चल जाएंगी, आइडिया भी मिल जाएगा कि और भी मैं इसके आगे पीछे के एक दो सेंटेंस अपने से सॉल्व करूं, क्योंकि भाई नंबर तो सबका मिलना है, ऐसा तो है नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, जो भी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उसका नंबर आपको जरूर मिलेगा और आपको करना होगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।